determine the standard enthalpy of formation. Determine the standard enthalpy of formation. Determine the standard enthalpy of formation of Al2Cl6 solid. Of Al2Cl6 solid by the following reaction given. ये चारों रिएक्शन के मदद से आपको निकालना है डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड. डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड कितना होगा. डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड अगर निकालना है तो बेसिकली कौन से रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है. तो डेल्टा एच एफ नॉट के अनुसार रिएक्शन लिखेंगे. डेल्टा एच एफ नॉट का रिएक्शन आपको पता रहता है कि अपने एलिमेंट से बनने चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टेट. तो हम लोग लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम सॉलिड जब 3Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल Al2Cl6 सॉलिड बनाएगा. तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड. जो डेल्टा एच आपको निकालना है उसके अनुसार आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन का आखिर हमको डेल्टा एच निकालना है. तो डेल्टा एच एफ नॉट वाला रिएक्शन लिखेंगे. समझ में आ रहा है. तो जब 1 मोल Al2Cl6 सॉलिड बने अपने ही एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2Cl6 सॉलिड. क्लियर है ये. अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कोशिश करो कि ये चारों रिएक्शन के मदद से ये रिएक्शन निकल के आ जाए. हमें चाहिए 2 एल्युमिनियम सॉलिड लेफ्ट तरफ. तो 2 एल्युमिनियम सॉलिड लेफ्ट तरफ हमें क्लियरली दिख रहा है इसलिए इस रिएक्शन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि फाइनली जोड़ने पर मेरे को वो रिजल्टेंट रिएक्शन मिल जाना चाहिए. समझ में आ रहा. हमें चाहिए 3Cl2 भी लेफ्ट तरफ. तो Cl2 कहां दिख रहा. Cl2 यहां दिख रहा. 3Cl2 चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको 3 से गुना कर देंगे. तो 3H2 3Cl2 6HCl अगर 3 से गुना किए तो यहां पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा. ये बनेगा 3β. अब हमारे पास Cl2 गैस भी रेडी हो गया. फिर राइट तरफ चाहिए मेरे को Al2Cl6 सॉलिड. सॉलिड कहां दिख रहा है यहां पर. ये दिख रहा है. हमें राइट साइड चाहिए तो राइट साइड चाहिए तो इस रिएक्शन को हम लोग उल्टा लिखेंगे. उल्टा लिखने का मतलब Al2Cl6 एक्वस इज गिविंग Al2Cl6 सॉलिड प्लस Aq और इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट हो जाएगा माइनस डेल्टा. क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स करने से डेल्टा एच को हम लोग को माइनस करना है. समझ में आया. ये रिएक्शन अब हटा दो इसका अब कोई यूज नहीं है. अब हम मान लो जोड़ेंगे तो सब कुछ कटना चाहिए. किसके किसके अलावा ये और ये सिर्फ बच जाए कटने के बाद. समझ में आ रहा है. तो देखो
6HCl गैस, तो 6HCl गैस 6HCl गैस से ही कटेगा, है कि नहीं? इसको भी क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, 6HCl गैस। और AQ तो अपने आप में इनफाइनाइट मोल्स ऑफ वाटर होता, तो यहां 6AQ मत लिखना, क्योंकि इनफाइनाइट में 6 गुणा होगा तो भी वो AQ ही रहेगा, और यहां पर 6HCl एक्वस मल्टीप्लाइड बाई 6 गामा हो गया। अब सोचो कि हम चारों रिएक्शन को हम जोड़ दिए, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ो तो 6HCl एक्वस 6HCl एक्वस कट गया, जोड़ने पे 6HCl गैस 6HCl गैस कट गया, Al2Cl6 एक्वस और Al2Cl6 एक्वस कट जाएगा, 3 हाइड्रोजन गैस कट जाएगा। समझ में आ रहा है, सब कुछ कट गया, बचा क्या जोड़ने पे, जोड़ने में बचेगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस इज गिविंग Al2Cl6 सॉलिड। और चूंकि चारों को जोड़ने के बाद ये निकला है, तो इसका डेल्टा एच नॉट कितना होना चाहिए, चारों का डेल्टा एच को जोड़ दो तो हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 गामा माइनस डेल्टा, यही हो गया आंसर। हेस लॉ का एप्लीकेशन समझ में आया, क्लियर है ये हेस लॉ, क्लियर? आगे लिखो लैटिस एनर्जी, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, the energy required to break 1 mole of a solid ionic compound, the energy required to break 1 mole of a solid ionic compound, the energy required to break 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous ion, into its gaseous ion, the energy required to break 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous ion, the energy required to break 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous ion is called lattice energy, is called lattice energy। जैसे मान लो बोले NaCl solid 1 मोल, obviously ionic compound है NaCl solid, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इस प्रोसेस के डेल्टा एच नॉट को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब होगा तभी जाकर यह ब्रेक करेगा। अब देखो ये प्रोसेस या लैटिस एनर्जी हम लोग लैब में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनका हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे पिछले क्लास में हम आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताए थे, तो हम लोग किसका मदद लेते हैं, हेस लॉ का। तो लैटिस एनर्जी भी लैब में इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द लैटिस एनर्जी वैल्यू बाय डूइंग प्रैक्टिकल, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो वी फॉलो अ प्रोसेस कॉल्ड एज बॉर्न हेबर साइकिल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। वी फॉलो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज बॉर्न हेबर साइकिल कैलकुलेट द लैटिस। अब देखो ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट किए सोडियम गैस में,
सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट किए सोडियम गैस में, और यह प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन। तो इसका डेल्टा एच नॉट वन, डेल्टा एच नॉट वन बोल रहे, डेल्टा एच नॉट वन को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या बोला जा सकता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम्स हमेशा गैसीय स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। सोडियम सॉलिड को एटम्स में कन्वर्ट करना या सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर हम लोग इमेजिन करते हैं कि सोडियम गैस को कुछ और एनर्जी दिया गया और ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस वन गैस में आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी प्रोवाइड किए, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इस प्रोसेस का डेल्टा एच टू नॉट को बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया रहता है, ठीक है। मान लो अल्फा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस अल्फा में जैसे ही 23.06 मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा किलो कैलोरी पर मोल में। तो ये कन्वर्शन फैक्टर जरूर याद रखना, ये डेल्टा एच है, और इस डेल्टा एच का यूनिट हमेशा किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए, जैसे ऊपर भी होगा नीचे भी होना चाहिए। लेकिन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी दिया होगा तो उसमें 23.06 मल्टीप्लाई करके उसको किलो कैलोरी पर मोल, अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देना 4.2 से, सॉरी इंटू कर देना 4.2 से, तो वो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर, हम लोग ये इमेजिन किए कि सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, सोडियम प्लस वन गैस बन गया। सिमिलरली Cl2 गैस को लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था उसको एनर्जी प्रोवाइड किए ताकि वो 2Cl गैस बन जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे डेल्टा एच नॉट थ्री, और इसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। पिछले क्लास में हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताए थे, 2 का फैक्टर आया था, है ना, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2। फिर हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि जो Cl गैस मिला वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया Cl-1 गैस, और जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा एच फोर नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दिया रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, उसको भी कन्वर्ट करके यहां पर बिठा रहा है वैल्यू पर मोल में 23.06 मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, उसको भी कन्वर्ट कर लेना पर मोल में। अगर पहले से ही पर मोल में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सारे डेल्टा एच का यूनिट हमेशा पर मोल में होता है, क्लियर। उसके बाद हम लोग इमेजिन करें कि Na प्लस गैस जो मिला था यहां पर और Cl माइनस गैस जो मिला यहां पर वो दोनों आपस में कंडेंस करके बना लिया NaCl सॉलिड, कंडेंस करके बना लिया NaCl सॉलिड। इस प्रोसेस का डेल्टा एच नॉट फाइव इज माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी क्यों बोल रहे, क्योंकि जो प्रोसेस का मेरे को लैटिस एनर्जी चाहिए वो ठीक इसका रिवर्स है, ये हम लोगों को पता नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज पता रहते। अब देखो अगर मैं इन सारे रिएक्शनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ऐड करने पे क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यहां पर आपको एक टू फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, 2Cl गैस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं
चलो ठीक है, एक और रिएक्शन लिखो, NaCl सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस इज गिविंग NaCl सॉलिड, लिखोगे? और इस रिएक्शन का डेल्टा एच को क्या बोला जाता है? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ NaCl, ये भी हमें पता है। अब ये कोशिश करो कि ये रिएक्शन निकल जाए बाकी चारों पांचों रिएक्शन के मदद से, बहुत आराम से निकल जाएगा। जब आप यहां पर हाफ Cl2 मल्टीप्लाई करोगे 2 by 2 हो गया, तो यहां पर भी आपको डेल्टा एच 3 by 2 करना पड़ेगा। इतना करने के बाद सबको जोड़ दो, जैसे ही सबको जोड़ोगे Na गैस Na गैस, Na प्लस गैस Na प्लस गैस, Cl गैस हाँ Cl गैस, ये कैंसल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Cl माइनस वन Cl माइनस वन, बचेगा क्या? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 इज गिविंग NaCl सॉलिड। तो हम लोग इस डेल्टा एच एफ नॉट को किसके बराबर लिख सकते हैं? तो चूंकि ये रिएक्शन हमें मिल रहा है बाकियों को जोड़ने पे, तो बाकियों का एंथैल्पी को जोड़ेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन नॉट प्लस डेल्टा एच टू नॉट प्लस डेल्टा एच थ्री नॉट बाय टू प्लस डेल्टा एच फोर नॉट प्लस डेल्टा एच फाइव नॉट। ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। टोटल कितने इसमें डेल्टा एच है? छह, है ना। लैटिस एनर्जी हम लोग को पता नहीं रहता है, बाकी सारा वैल्यू पता रहता है, और इस तरीके से हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल लेते हैं। और इस स्टेप्स को लिखना ही बॉर्न हेवर साइकिल कहलाता है, इस स्टेप्स को लिखना ही बॉर्न हेवर साइकिल कहलाता है। क्लियर? कॉपी करो। क्लियर है? अब जैसे देख, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे आपको, CaF2 सॉलिड के लिए अगर मान लो मुझे बॉन्ड हेवर साइकिल तैयार करना है, तो कैल्शियम सॉलिड से कैल्शियम गैस बनाएंगे, उसके बाद कैल्शियम गैस से कैल्शियम प्लस गैस बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, और इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़े हो ना, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? ये दिया हुआ होगा, 23.06 का इस्तेमाल करना इस स्टेप में डेल्टा एच। फिर आप इमेजिन करना कि सीए प्लस गैस को भी एनर्जी दिया गया और तब जाके ये बना सीए प्लस टू, क्योंकि सीए एफ टू ब्रेक करेगा सीए टू प्लस प्लस टू एफ माइनस में, समझ में आ रहा? तो सीए टू प्लस बना बाय लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपका यही सारे स्टेप में एक और स्टेप बढ़ जाएगा यहां पर, समझ में आ रहा? अरे क्लियर है? बेसिक यही चीज है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो, मेटल सॉलिड को मेटल गैस में, मेटल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालो छोड़ दो, उसके बाद जो हैलोजन है Cl2, F2 कुछ भी हो उसको पहले एटमाइज करो, ब्रेक करो, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसको F- या Cl- बना लो, उसके बाद ये लैटिस एनर्जी वाला रिएक्शन लिखो और कोशिश करो कि सॉलिड का फॉर्मेशन वाला एंथैल्पी का रिएक्शन मिल जाए। यही होता है बॉर्न हेवर साइकिल। अब देख, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे लैटिस पूछेगा, वो इक्वेशन में छह वेरिएबल है, कोई पांच देगा और छठा पूछ लेगा, हो सकता है लैटिस एनर्जी दे दिया और बोला कि भाई तू बता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना, पूछा जा सकता है ना, कोई भी पांच दिया हुआ होगा और छठा पूछा जा सकता है। आगे लिखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज करने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। अगर T1 केल्विन पे डेल्टा H1 है तो T2 केल्विन पे डेल्टा H2 कैसे निकलेगा? एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और उस वक्त एक पर्टिकुलर डेल्टा H का वैल्यू उसका होता है, समझ में आ रहा? अगर हम टेम्परेचर हाई या लो कर देंगे तो उसके एंथैल्पी में फर्क आएगा,
और वो इक्वेशन हम लोग कोशिश करेंगे डिराइव करने का। मान लो एक जनरल रिएक्शन है ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिविंग सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ये रिएक्शन मान लो टेम्परेचर टी वन केल्विन पे चल रहा है और इसका डेल्टा एच वन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह पता है कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सी इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ डी माइनस ए ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ ए। पहला लेक्चर बी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ बी, ये पहला लेक्चर याद आ रहा है, और इसी मोलर एंथैल्पी को हम डेल्टा एच एफ नॉट के बराबर कर दिए थे। यही बेसिक इक्वेशन है कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोफिशियंट को मत भूलना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन बाई डी टी कैन बी रिटन एज सी ऑफ डी ऑफ एच एम ऑफ सी बाई डी टी प्लस डी ऑफ एच एम ऑफ कैपिटल डी बाई डी टी माइनस ए ऑफ डी ऑफ एच एम ऑफ ए बाई डी टी माइनस बी ऑफ डी ऑफ एच एम ऑफ बी बाई डी टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप लोग पढ़ोगे कि डेल ऑफ एच एम बाई डेल ऑफ टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज कॉल्ड एज सीपी। सीपी कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोल सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर एक डिग्री से अगर बढ़ाना है तो कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। खैर, सीपी का डिटेल डिस्कशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किया जाएगा, बिल्कुल अलग टॉपिक बना के पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए यह मान के चलना कि यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस होता है। सीपी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन बाय डी टी विल बी इक्वल टू सी टाइम्स सीपी ऑफ सी। ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा, सीपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स सीपी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स सीपी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स सीपी ऑफ बी, और इसी को बोला जाता है डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन। ध्यान रखना, सवाल में हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का सीपी वैल्यू दिया हुआ होगा। कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता कि सीपी बताओ, सीपी का डेटा हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का दिया हुआ होता है। और ध्यान रखना, सीपी किसी एलिमेंट का जीरो नहीं होता, वो भी दिया हुआ होगा, एलिमेंट हो कंपाउंड हो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, हर एक का सीपी वैल्यू रिएक्शन में दिया होगा। लेकिन आपको कैलकुलेट पहले क्या करना है, डेल्टा सीपी। और डेल्टा सीपी कैसे कैलकुलेट कर किया जाता, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, ये दे देगा डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट को नहीं भूलना है। अगर ए बी सी डी सबका सीपी दिया हुआ है तो देखो कैसे लिखे हैं, सी टाइम्स सीपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स सीपी ऑफ डी, ए टाइम्स सीपी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स सीपी ऑफ बी। क्लियर है, क्लियर। अब लिखे डी ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट कर दो इसे, टेम्परेचर टी वन पे डेल्टा एच वन, टेम्परेचर टी टू पे डेल्टा एच टू।
डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट, तो आ जाएगा डेल्टा एच टू माइनस ऑफ डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन इंटू टी टू माइनस ऑफ टी वन, या डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन वन प्लस डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन इंटू टी टू केल्विन माइनस टी वन केल्विन, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा एच। तो अगर सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सीपी वैल्यू अगर दे रखा है तो डेल्टा सीपी निकाल लो, और बहुत छोटा सा इक्वेशन है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा सीपी इंटू टी टू माइनस ऑफ टी वन, विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। देखो इसके ऊपर सवाल तो उतना ज्यादा बनता नहीं है, सीधे सब रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट का सीपी दिया हुआ है, डेल्टा सीपी निकाल कर सीधे सीधे इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, है ना, कोई टफ सवाल या कोई अलग टाइप का सवाल नहीं बनता। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोकेमिस्ट्री का अगर सवाल आएगा जेई में तो बॉन्ड एनर्जी जरूर इंक्लूडेड होगा कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बॉन्ड एनर्जी नोट करो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैसियस स्टेट, the energy required to break one mole of a particular bond in a gaseous state into its gaseous atom, into its gaseous atom, the energy required to break one mole of a particular bond in a gaseous state into its gaseous atom, ion nahi गैशियस एटम, बॉन्ड को भी होना चाहिए गैशियस स्टेट में और बॉन्ड टूटने के बाद जो एटम्स को मिलेगा वो भी गैशियस स्टेट में, तो एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैशियस स्टेट इनटू इट्स गैशियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलन लेटर से, और एप्सिलन हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है क्योंकि एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगा किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में। अब समझना है एक चीज, देखो जैसे हम बोले सी एच बॉन्ड गैसियस स्टेट में है, एनर्जी प्रोवाइड करो, बन जाएगा सी गैस प्लस एच गैस वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैशियस स्टेट इंटू इट्स गैशियस एटम, तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ डेल्टा एच इसको बोलेंगे एप्सिलन, एप्सिलन सी एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच। इस प्रोसेस का जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, किसका बॉन्ड एनर्जी, सी एच का बॉन्ड एनर्जी। सिमिलरली अगर हम बोले कि ओ एच बॉन्ड इन अ गैसियस स्टेट इज गेटिंग ब्रोकन इनटू ओ गैस प्लस एच गैस, तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा वो कहलाएगा एप्सिलन ओ एच। अगर सी डबल बॉन्डेड सी था गैसियस स्टेट में, इसको एनर्जी प्रोवाइड किए, ये टू सी गैस में ब्रेक कर गया, यहां पर हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़े हैं, एप्सिलन सी डबल बॉन्डेड सी, सी ट्रिपल बॉन्डेड एन बॉन्ड था गैसियस स्टेट में, सी गैस में ब्रेक हो गया और एन गैस में ब्रेक हो गया, तो ये कहलाएगा डेल्टा एच इज एप्सिलन सी ट्रिपल बॉन्डेड एन एंड सो ऑन। लेकिन कभी भी हम लोगों को ऐसे बॉन्ड फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कुछ को छोड़कर, जैसे
H बॉन्ड 2H को ब्रेक कर दिए 2H गैस में, तो इस प्रोसेस का डेल्टा H को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, या बोलो डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2, बोल सकते हैं ना। सिमिलरली O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिए 2O गैस में, O2 क्या है, O डबल बॉन्डेड हो, तो इस प्रोसेस का डेल्टा H नॉट को कह दो आप एप्सिलन O डबल बॉन्डेड हो, या बोल सकते हो डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ O2। सिमिलरली हैलोजन Cl2 को ब्रेक कर दिए 2Cl गैस में, इन डायरेक्ट आपने Cl Cl बॉन्ड को तोड़ा, तो या तो इसका डेल्टा H नॉट को बोल दो एप्सिलन Cl बॉन्डेड टू Cl, या बोल दो डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ Cl2। तो कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो कि इंडिविजुअल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस मान लो OH बॉन्ड ये एग्जिस्ट करता है, सी एच ओ एच सी डबल बॉन्डेड सी सी ट्रिपल बॉन्डेड एन, हर बॉन्ड का एक मोल गैसियस स्टेट में अगर है और उसको तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा, अभी तो अभी मत कर रुको, अब ध्यान देना हम जो लिखने जा रहे हैं। सी एच फोर गैस ये तो एग्जिस्ट करता है, अगर सी एच फोर गैसियस स्टेट में है मतलब कि उसके चारों बॉन्ड गैसियस स्टेट में, अगर इसके चारों बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो 4H गैस प्लस C गैस मिलेगा। आपने चारों बॉन्ड को तोड़ दिया तो इस प्रोसेस का डेल्टा H नॉट को क्या बोलेंगे, 4 एप्सिलन CH। आपने 4 CH बॉन्ड तोड़ा, अगर CH को तोड़ने में एप्सिलन CH अगर रिक्वायर्ड है तो मीथेन को अगर पूरा का पूरा तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब जाके ही बॉन्ड भी गैसियस स्टेट में होगा और बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। 4 एप्सिलन CH समझ में आ रहा है। CH3 C डबल बॉन्डेड O OH लेकिन गैस, एनर्जी प्रोवाइड की, असेटिक एसिड है लेकिन गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है मतलब कि उसके सारे बॉन्ड गैसियस स्टेट में है, सारे बॉन्ड को तोड़ो तो इस प्रोसेस में 2 कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस प्लस 2O गैस मिलेगा, हर बॉन्ड को तोड़ दिए। अब देखो इसका डेल्टा H नॉट हम किसके बराबर लिख रहे हैं, देखो तीन तो CH बॉन्ड टूटा तो यहां लिखेंगे 3 एप्सिलन CH प्लस एक CC बॉन्ड टूटा एप्सिलन CC प्लस एक C डबल बॉन्डेड O टूटा एप्सिलन C डबल बॉन्डेड O प्लस एक C सिंगल बॉन्डेड O टूटा एप्सिलन C सिंगल बॉन्डेड O प्लस एक OH बॉन्ड टूटा एप्सिलन OH, ये होगा डेल्टा H फॉर द प्रोसेस। अगर किसी मॉलिक्यूल को उसके गैसियस स्टेट से उसके एटम्स में तोड़ दो तो सीधे उस प्रोसेस का डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हो जाता है। समझ में आ रहा क्या लिख रहे, अब कॉपी कर पूरा पूरा खटाखट जल्दी। बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट से वी कैन एस्टिमेट द डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन उसका डेल्टा H नॉट किसके बराबर होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। पहला लेक्चर याद करो, हमेशा किसी भी रिएक्शन का हीट एक्सचेंज क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, और वही हीट को तो हम लोग डेल्टा H कहते हैं। डेल्टा H बोलो या डेल्टा H नॉट बोलो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन कैसा दिया हुआ है। हम कहेंगे डेल्टा H नॉट लिख देते, कहेंगे डेल्टा H लिखते, इससे कंफ्यूज मत होना। अगर रिएक्शन के सारे चीज स्टैंडर्ड स्टेट पे है तो डेल्टा H नॉट, नहीं है तो डेल्टा H, लेकिन डेफिनेशन तो वही है।
तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच किसके बराबर होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। जैसे एक एग्जांपल देखो, C3H8 लिक्विड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म C2H6 लिक्विड प्लस CH4 गैस। हमें बताना है कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच कितना। तो देखो ऐसे पहले समझने का ये कोशिश करो कि कोई भी रिएक्शन होता कैसे है, एनर्जी रिक्वायर्ड किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। तो इस रिएक्टेंट को पूरा हम लोग एटम्स में तोड़ते हैं और वही एटम रीअरेंज करके बनाता है, नया नया बॉन्ड बनाता है। तो जब एटम्स में ब्रेक करेंगे तो यहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और वही एटम जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो हमेशा एटोमाइज करते हैं और एटम्स को फिर हम लोग प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरीके से प्रोसेस होगा किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच, है कि नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, पहले तो सिंपल एग्जांपल ले, लिक्विड हटा, इसको भी गैस कर, इसको भी गैस कर दे, गैस ही है और गैस ही है। इसको अगर ब्रेक करना है एटम्स में तो हम लोग को मिलेगा 3C गैस प्लस 8H गैस मिलेगा। और C3H8 का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस तरीके का, ये सारे हाइड्रोजन है कि नहीं। तो अल्टीमेटली अगर ये गैसियस स्टेट में है तो सारे बॉन्ड गैसियस स्टेट में, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा। तो अल्टीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आपने CH बॉन्ड को तोड़ा, 8εCH प्लस एक कार्बन कार्बन, दूसरा कार्बन कार्बन, दो कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटे, 2εCC। इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा जब आप इसको एटम्स में ब्रेक करोगे। गैसियस स्टेट में था, एटम्स में जा रहा है, जैसे वहां लिखे वैसे यहां पर भी लिखे। बस दिमाग में रखना ये एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड। अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़कर एटम बनाना है तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे किस में, 2H गैस में, तो यहां हम लिख दे रहे εHH, और εHH डेल्टा एच डिसोसिएशन भी होता है। सवाल में देखना क्या दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी HH, बात बराबर। टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, दिस प्लस दिस। अब ये जो टोटल एटम्स मिला हमें, ये एटम कंबाइन करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, नया नया बॉन्ड बनेगा, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। C2H6 बना तो जरूर 6CH का बॉन्ड बना और 1CC का बॉन्ड बना, कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, 1εCC रिलीज होगा और 6εCH रिलीज होगा। देख हम जब जान ही रहे हैं कि ये रिलीज है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना रिलीज्ड, ये सब रिक्वायर्ड, दिस इज रिलीज्ड अमाउंट, समझ में आ रहा है। यहां पर मिथेन बना होगा तो 4εCH रिलीज्ड, देयरफॉर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 8εCH प्लस 2εCC εHH, ये एनर्जी रिक्वायर्ड था। ये एनर्जी रिक्वायर्ड था माइनस एनर्जी रिलीज, टोटल कितना एनर्जी रिलीज हुआ, εCC 6εCH प्लस 4εCH, इतना टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है। आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, आएगा कि नहीं आएगा डेल्टा एच, बिल्कुल आएगा। और इसी को कहते हैं डेल्टा एच इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन इसको फॉर्मूला की तरह मत याद रखना, सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना, लेकिन जिस तरीके से मैं रिएक्शन करा रहा हूं फिजिकली उस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है।
कि सारे रिएक्टेंट को एटम्स तक लाना और एटम्स फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना। अब जैसे मान लो C3H8 लिक्विड होता, कोई जनरल रिएक्शन, अब कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे गैस ही रहे, प्लस H2 गैस रिएक्ट करके दे रहा है C2H6 लिक्विड प्लस CH4 गैस, मान लो लिक्विड कंडीशन में, और इससे पूछा गया कि इसका बताओ डेल्टा एच नॉट कितना, यहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। आप इसमें एक दो स्टेप आप एक्स्ट्रा करोगे, इस लिक्विड को लाओगे, पहले गैस बनाओगे, और लिक्विड को गैस बनाया जाता है वेपराइजेशन, है कि नहीं। तो यहां डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C3H8 लिक्विड दिया हुआ होगा सवाल में, ये तो गैस गैस ही है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद लगा देंगे बॉन्ड एनर्जी जो वहां की है, समझ में आया, मिला एटम्स, एटम्स को फॉर्म कराए, C2H6 गैस बनेगा, पहले गैस बनेगा, सीधे लिक्विड नहीं बनेगा, एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल पहले बनेगा गैसियस स्टेट में, और CH4 गैस बन गया बॉन्ड एनर्जी। एक और स्टेप आपको जोड़ना पड़ेगा कि भाई गैस को कंडेंस करके लिक्विड तक लाया जाए, तो अरे जितना वेपराइजेशन में रिलीज होता है, जितना वेपराइजेशन में एब्जॉर्ब होता है, उतना ही कंडेंसेशन में रिलीज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना। तो मान लो डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C2H6 लिक्विड भी दिया हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी दिया होगा, यह भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही दिया होगा, लेकिन हमें पता है कि यह क्वांटिटी एब्जॉर्ब्ड है और ये क्वांटिटी रिलीज्ड है, तो ये चला जाएगा रिलीज वाले ब्रैकेट में, ये वाला चला जाएगा रिक्वायर्ड वाले ब्रैकेट में। आंसर तैयार है, समझ में आ रहा है ना। इस ब्रैकेट में एक डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन C3H8 का, और इस ब्रैकेट में डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन C2H6 का, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। क्लियर है ये चीज? अब जैसा देखो, एस्टीमेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट, किसी भी कंपाउंड का डेल्टा एच एफ नॉट एस्टीमेट करना, वेरी सिंपल। जैसे मान लो मुझे एस्टीमेट करना है CH3, सिंपल एग्जांपल लेते, मुझे एस्टीमेट करना है डेल्टा एच एफ नॉट C2H6 गैस का, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H6 गैस मुझे पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कार्बन सॉलिड, क्योंकि एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, 3H2 गैस इज गिविंग C2H6 गैस, और इसी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट को बोलते हैं डेल्टा एच एफ नॉट। अरे किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट हो, वो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। तो देखो, रिएक्शन कराओ, खुद ही कराओ, दो कार्बन सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन गैस में, 3 हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करेंगे 6 हाइड्रोजन गैस में, और तब जाके 2 कार्बन गैस और 6 हाइड्रोजन गैस मिलके बनाएगा C2H6। यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां एनर्जी रिलीज्ड, यहां एनर्जी रिक्वायर्ड कितना, सवाल में डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन ग्रेफाइट का दिया होगा, या सवाल में डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट दिया होगा। तो एक मोल के लिए तो दिया है, दो मोल दिख रहा है, तो 2 × डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन कार्बन ग्रेफाइट का, समझा रहा,
मान ले सवाल में दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां लिखेंगे 3 × डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर एटोमाइजेशन दिया रहता तो 6 × डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन, क्योंकि एटोमाइजेशन पर मोल ऑफ एटम होता है, एक मोल तो डेल्टा एच नॉट, तो 6 मोल बन रहा है तो 6 × डेल्टा एच, लेकिन डिसोसिएशन पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल एक मोल डिसोसिएट करेगा तो 3 मोल 3 × डिस, इतना एनर्जी तो रिक्वायर्ड हो गया। ये दोनों सवाल में दिया हुआ होगा, ध्यान रहे। और कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो सिर्फ बॉन्ड बनने का ही तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। C2H6 का क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है C2H6 का, तो बोलेंगे 6 εCH रिलीज होगा और 1 εCC रिलीज होगा, डेल्टा एच एफ नॉट 2 × डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन प्लस 3 × डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन माइनस ऑफ 6 εCH प्लस εCC। आंसर बॉन्ड एनर्जी के मदद से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का डेल्टा एच एफ नॉट एस्टिमेट कर सकते हैं। उल्टा सोचो, जब आप बॉन्ड एनर्जी के मदद से डेल्टा एच एफ नॉट तक चले गए तो डेल्टा एच एफ नॉट अगर दिया होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है, इक्वेशन ही तो आखिर तैयार हो रहा है, उस इक्वेशन में कुछ भी दिया रहा है, कुछ भी पूछा रहा है, इक्वेशन कैसे तैयार कर रहे समझ में आ रहा है, इक्वेशन कैसे तैयार कर रहे समझ में आ रहा है, क्लियर है। कैलकुलेट द डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CH2 डबल बॉन्डेड CCH3 सिंगल बॉन्डेड CH डबल बॉन्डेड CH2। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं आइसोप्रीन। गिवन वैल्यूज दिया है लेकिन मैं अल्फा बीटा में दूंगा, एप्सिलन CH दिया है अल्फा, एप्सिलन CC दिया है बीटा, एप्सिलन सी डबल बॉन्डेड सी दिया है गामा, डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओमेगा या W, जो मानना माना, इसी वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर निकालिए। तो कुछ नहीं, ये तो पहले डेल्टा एच एफ नॉट पूछ रहा है तो डेल्टा एच एफ नॉट वाला रिएक्शन लिखेंगे। टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5, अपने एलिमेंट से बनने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में, तो रिएक्शन लिखेंगे 5 कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड। हाइड्रोजन टोटल कितना है इसमें, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, तो 4H2 गैस हो गया, इज गिविंग आइसोप्रीन गैस। इसी रिएक्शन का मुझे डेल्टा एच नॉट चाहिए, उसी को डेल्टा एच एफ नॉट बोला जाएगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लीज, 5 कार्बन सॉलिड को 5 कार्बन गैस में लाएंगे, 4 हाइड्रोजन गैस को 8 हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, समझे, और ये कंबाइन करके दे देगा आइसोप्रीन। खैर, यहां पर कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट, सॉलिड से गैस, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन बोलो या सब्लिमेशन बोलो, दे रखा डेल्टा, तो ये तो पर मोल है ना, तो 5 मोल के लिए 5 डेल्टा 4 हाइड्रोजन डिसोसिएशन, तो 8W लिखे कि 4W, हाँ 4W, ध्यान रखना। अगर यही अगर एटोमाइजेशन हाइड्रोजन का भी दिया रहता है ना, पर मोल ऑफ एटम होता है, क्लियर, इसलिए यहां पे 4W लिखे। कितना एनर्जी रिलीज होगा, देख कौन कौन सा बॉन्ड बना, कितने CH बने, 3, 2, 5, 6 और 2, 8, तो 8 εCH 8 α प्लस C सिंगल बॉन्डेड C 1 और 1 2, तो 2β
प्लस दो बना है डबल बॉन्ड टू गामा, देयरफॉर डेल्टा एच एफ नॉट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड फाइव डेल्टा प्लस फोर ओमेगा माइनस एट अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा। आंसर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नहीं चाहिए। सवाल लिखो आगे, फिर अल्फा बीटा में ही देंगे हम। बॉन्ड एनर्जी से तो डेल्टा एच निकल जाता है। अब यार डेल्टा एच दिया हुआ है और आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, कैलकुलेट सीसी और सीएन का बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। डेल्टा एच एफ नॉट सीएस थ्री सीएन का दिया हुआ है, तो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले सीएस थ्री सीएन का डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्शन, टू कार्बन सॉलिड थ्री बाई टू एच टू गैस हाफ एन टू गैस विल गिव सी एच थ्री सी एन गैस। सही लिखा हुआ है, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच एफ नॉट दे रखा है अल्फा, और ये आगे किसके बराबर होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, है कि नहीं। टू कार्बन सॉलिड को टू कार्बन गैस में कन्वर्ट किए, 3 बाई टू एच टू को कन्वर्ट किए 3H में, 1 बाई टू एन टू को कन्वर्ट किए N में, और ये कंबाइन करके दिया CH3CN। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बता, एनर्जी रिक्वायर्ड सबलिमेशन ऑफ कार्बन 2 गामा, यहां पर हाइड्रोजन का डिसोसिएशन W 3 बाई टू ओमेगा, नाइट्रोजन का डिसोसिएशन डेल्टा, तो हाफ है तो हाफ डेल्टा, और यह एनर्जी रिलीज कितना होगा सीधे 2 गामा प्लस 3 बाय 2 डब्ल्यू प्लस हाफ डेल्टा माइनस सीएस थ्री सी एन का स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो तीन सीएच के बॉन्ड बने, तीन अगर सीएच के बॉन्ड बने तो 3-5 प्लस एक सीसी का बॉन्ड बना और एक सीएन का बॉन्ड बना, और यही दोनों हमसे पूछ रहा है, ठीक है लिख दिए एप्सिलॉन सीसी और एप्सिलॉन सी ट्रिपल बॉन्डेड एन, और ये हम लोग दोनों को नहीं पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। एक और का डेल्टा एच एफ नॉट दे रखा है, सिमिलरली उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, टू कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस इज गिविंग C2H6 गैस, इसका डेल्टा एच एफ नॉट दे रखा है बीटा, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। टू कार्बन सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे टू कार्बन गैस में, थ्री हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करेंगे 6H गैस में, कंबाइन करके देगा C2H6। टू कार्बन यहां भी 2 गामा, थ्री हाइड्रोजन तो ये होगा 3W, कौन कौन सा बॉन्ड बना, 6CH के बॉन्ड बन रहे, 6-5 प्लस एक एप्सिलॉन सीसी बना, तो बीटा विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड 2 गामा प्लस 3 ओमेगा माइनस 6-5 प्लस एप्सिलॉन सीसी। अरे इसे सॉल्व करके निकालेंगे एप्सिलॉन सीसी, और ये यहां बिठाएंगे तो निकल जाएगा एप्सिलॉन सीएन। आंसर
तो पहला सवाल से दूसरा सवाल थोड़ा लंबा था, सिर्फ लंबा ही था, लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड एकमात्र कंसेप्ट है। और लंबा कर सकते हैं, ये अगले क्लास में हम बताएंगे।